चलिए जी, गुड आफ्टरनून। कर रहे हैं क्लास स्टार्ट। लास्ट हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक हुआ था, आज हम कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बिल्कुल अपोजिट है उसका। पहले पिछले वाला टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता था हमारे लिए, बिजनेस के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है अकाउंट्स के लिए, कि बिजनेस एक अलग है, ओनर एक अलग पर्सन है। सूरभी अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, बिजनेस एक अलग पर्सन है, ओनर एक अलग पर्सन है, हमें बिजनेस के हिसाब से देखना है। तो जब भी कोई धंधा, कोई बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो ओनर उसमें पैसा लगाता है, उसी को बोला जाता है कैपिटल। तो कैपिटल ओनर लगा रहा है, बिजनेस को दे रहा है, तो बिजनेस एक अलग पर्सन माना जाता है अकाउंट्स को समझने के लिए, अकाउंट्स की नजरों में। जैसे आपकी वो मैथ में एजम्पशन नहीं होती, लेट एज्यूम, तो वो लेट या एज्यूम हमारे अकाउंट्स की पहली कसम यही होती है कि आपको बिजनेस को अलग समझना है, ओनर को अलग। तो ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, दोनों ही पर्सन है, ठीक है। बस वो अलग बात है कि बिजनेस जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ओनर जो है वो नेचुरल पर्सन होता है। क्लास प्लस वन का रूल है ये। बिजनेस के हिसाब से जो कैपिटल हमने ओनर से लिया है वो एक तरह से लाइबिलिटी है, मतलब एक तरह से उधार लिया हमने कैपिटल के रूप में, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भरना है। किसको दोगे ये वाला इंटरेस्ट? आप ओनर को। तो बिजनेस के हिसाब से सोचो, बिजनेस के हिसाब से वो इंटरेस्ट खर्चा था। आज हम इसका अपोजिट पॉइंट करने वाले हैं, जब बिजनेस ओनर जो है बिजनेस में से कुछ पैसा लेके घर पे चला जाता है, तो इसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पे बिजनेस बीच में आता है, कह रहा है अब हम सिचुएशन खेलेंगे टिट फॉर टैट वाली। जब आपने मुझे पैसे उधार दिए थे तो इंटरेस्ट मांगा था, अब बिजनेस का पैसा आप लेके जा रहे हो, ये कौन किसको बोल रहा है? ये मिस्टर बिजनेस, बिजनेस ओनर को बोल रहे हैं कि अब आप बिजनेस का पैसा लेके जा रहे हो तो अब मैं आपसे इंटरेस्ट मांगूंगा। तो जब हम बिजनेस में से पैसा निकालें चाहे गुड्स निकालें, उसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स। कौन? पेंटिंग वाली ड्रॉइंग नहीं, अमाउंट निकलवाने वाली ड्रॉइंग, जिसको विड्रॉ बोल दिया जाता है। तो ड्रॉइंग कौन करेगा? ओनर करेगा। बिजनेस कह रहा है अब एक तरह से, जब आपने मुझे समझाया था कि हम दोनों अलग हैं, मैं आपसे कैपिटल उधार ले रहा था, अब आप मुझसे ड्रॉइंग उधार ले रहे हो, क्योंकि बिजनेस का पैसा कौन लेके जाएगा अब? ओनर। तो बिजनेस कह रहा है जब आपने कैपिटल लगाई थी तो मुझसे इंटरेस्ट मांगा था ना, अब आप मेरे कैपिटल लेके जा रहे हो, मेरी ड्राइंग लेके जा रहे हो ना, अब मैं आपसे पैसा लूंगा, क्या का? इंटरेस्ट का। तो यहां से टॉपिक स्टार्ट होता है समझने वाला, कि ये किसके लिए इनकम हो जाएगी, किसके लिए खर्चा हो जाएगा? बिजनेस के लिए हो जाएगी इनकम। क्यों? क्योंकि बिजनेस से पैसे दे रहा है ओनर को, बदले में इंटरेस्ट मांगेगा। सारा टॉपिक इसी के आसपास घूमेगा। अब मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में एक पैट लाइन बताई थी कि बिजनेस में और ओनर में कभी भी डीलिंग कैश में नहीं होती, उनकी डीलिंग कैपिटल अकाउंट के थ्रू होती है। अगर बिजनेस ओनर को कोई भी पैसे आप लोगों ने देने हैं तो उसके खाते में ऐड करते चले जाओ, ऐड को बोला जाता है क्रेडिट। कुछ ना समझ आए ना तो अपनी गूगल पे या पेटीएम वाली भाषा चला लिया करो। जब हमारे गूगल पे या पेटीएम में पैसे आते हैं ना तो मैसेज आता है कि दिस अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो वैसे ही समझ लेना, जब भी पार्टनर के खाते में कोई पैसे डालने हैं तो मतलब उसमें ऐड करने हैं, तो उसको क्रेडिट कर देना। जब उसके अकाउंट से पैसे निकालने हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है, बिजनेस ओनर कभी भी नहीं आएगा। जैसे बिजनेस ओनर है, ये बिजनेस के पास कभी भी नहीं आएगा, लो जी पैसे लो। बिजनेस में और ओनर में जो भी पैसे होंगी, जो भी उसका खाता बन रहा होगा ना, एक जगह खाता बन रहा होगा, वहीं पे या तो ऐड कर देंगे, वहीं पे या तो माइनस कर देंगे। उस खाते का नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर पार्टनर को पैसा मिल रहा है, मतलब कि ऐड हो रहा है, तो सोचो गूगल पे या पेटीएम वाला मैसेज क्या आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड ना। तो आप इसको ऐसे लिंक किया करो। दूसरा लिंकेज का तरीका, जिसको गूगल पे या पेटीएम, जिसको चलाना नहीं आता या नहीं चलाया, ठीक है, वो कहता है कि हमारे पास तो गूगल पे चल नहीं रहा, तो हमें पता नहीं है कि पैसे क्रेडिट होते हैं या डेबिट होते हैं। तो जब मेरे को पास पैसे आते हैं तो क्रेडिट होते हैं, जब मेरे अकाउंट से जाएंगे तो डेबिट हो जाएंगे। एक रूल ये है याद करने का। दूसरा रूल, आप नॉमिनल रूल सोच लिया करो। अकाउंट में एक रूल होता है, थर्ड रूल, नॉमिनल। नॉमिनल रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो पार्टनर के लिए जो इनकम हो रही है क्रेडिट कर दो, जो उसके लिए लॉसेस या खर्चे हैं वो डेबिट कर दो, जो आपको याद रह जाए आप वो वाला कर सकते हो। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का टॉपिक कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक परसों वाली क्लास में खत्म हो गया था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का टॉपिक आज चलेगा अगले साल तक। सर अगला साल मतलब अगले दिन तक, आज शुरू होगा, कल तक जाके खत्म होगा प्रॉपर। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक ना इंडिविजुअली आता नहीं है, ज्यादातर नहीं आता, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का सीधा सीधा, देखो एक बड़ा क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक छोटा क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का आता है, हर बार आता है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इंपॉर्टेंट भी है, लेंथी भी है। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है जी ओनर,
यहाँ पे है ओनर, यहाँ पे है बिजनेस। आज मैंने ड्राइंग थोड़ी सी चेंज कर दी है, लेफ्ट राइट की जगह मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ। यहाँ पे ओनर है, सर ओनर बना तो दो, ये लो बेटा, यहाँ पे बिजनेस है। आज हमारा बिजनेस थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। अब बिजनेस ने सबसे पहले यहाँ से यहाँ पे एरो बनानी है आपने। सबसे पहले यहाँ पे इसने इसको पैसा दिया, जिसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है कि बिजनेस से पैसा निकाल के हम चले गए। नॉर्मली हर दुकानदार निकालता है यार, जो घर के खर्चे होते हैं, सिलेंडर लेने हैं, बिजली का बिल भरने हैं, अब बेटा आ गया जी, पापा जी पॉकेट मनी दो, और दुकान के गल्ले में से निकाल के दे देता है, ये वो चीज़ है ड्रॉइंग। या कोई घर की इंस्टॉलमेंट है, वो दुकान के खातों में से ही पे कर दिया, दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ड्रॉइंग। बदले में फिर ये कहेगा, बिजनेस कहेगा, अच्छा जी स्टार्टिंग में तो कहा था हम दोनों अलग हैं, हम दोनों अलग हैं, अलग हैं तो मेरे को इसके ऊपर क्या भरो, इंटरेस्ट। तो इसको बोला जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एरो देख लो कहां से कहां पे जा रही है। ओके, ओनर से बिजनेस की तरफ जा रही है। दिस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज दिस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इनकम फॉर द बिजनेस। तो जो इनकम है, इनकम फॉर द बिजनेस। किसके क्रेडिट साइड में जाएगा? अब पार्टनर से रिलेटेड चीजें हैं, याद है बताया था, पार्टनर से रिलेटेड चीजें हैं तो दो जगह जाएगी, एक P&L अप्रोप्रिएशन में, एक पार्टनर्स कैपिटल में। तो क्रेडिट जाएगी क्रेडिट साइड, P&L अप्रोप्रिएशन के, क्योंकि बिजनेस के लिए इनकम है तो बिजनेस के हिसाब से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा होता है, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड चली जाएगी और डेबिट साइड जाएगी पार्टनर्स कैपिटल की। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएगी। इसमें टोटल चार टॉपिक्स होते हैं, ठीक है जी, इसमें टोटल फोर केसेस आएंगे, फोर केसेस ऑफ IOD। सर IOD मतलब, बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मुझे पता है, शॉर्ट फॉर्म तो बच्चे जल्दी समझते हैं, सर हम तो चाहते हैं IOD IOD आए बार बार, कौन लिखेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? ठीक है, मैं सिफारिश करवा दूंगा CBSE में कि हमारे बच्चे ऐसे ऐसे डिमांड कर रहे थे। तो चार केसेस आएंगे। सबसे पहला केस, अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना, हमने उस दिन डिस्कस किया था कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो टाइम पे लगता है। मैंने आपको उस दिन पिछली क्लास में एक रूल समझाया था कि मार्केट का असूल क्या है, जितना पैसा जितने टाइम के लिए उधार दोगे इंटरेस्ट उस पे लगता है। तो ड्रॉइंग का भी वैसा ही असूल है तो एक तरह से उधारी ना, कभी उधारी बिजनेस ले रहा है, कभी ओनर ले रहा है। तो याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट हो, जब आगे को चैप्टर चलेंगे ना हमारे, इंटरेस्ट ऑन लोन भी आएगा, तो जितने मर्जी चैप्टर हो, इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगता है मार्केट में, जितनी अमाउंट हो और जितने टाइम के लिए आपने उधार दिया हो उतने टाइम पीरियड के लिए लगता है। तो इसमें केस नंबर जो वन बनता है उसमें होता है कि ड्रॉइंग की डेट गिवन है क्वेश्चन में, डेट ऑफ ड्रॉइंग। ये अच्छा अच्छा बनाना, टोटल ऐसे चार केसेस लिख रहा हूं, वैसे मैंने फ्लो चार्ट सा बना दिया है। डेट ऑफ ड्रॉइंग इज गिवन, सर सर केस नंबर टू ना हम बताएंगे, बताओ बेटा। हाँ, डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन, मेरे को पता था मेरे इंटेलिजेंट बच्चे हैं पढ़े ऐसे, वो बता ही सकते हैं। डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन, सर तीसरा भी हम बताएंगे। हाँ अब बताओ ना, तीसरा केस क्या होगा? दूसरे केस में तो आप पंडित जी बन गए थे और आपकी सारी वो, पंडित क्या करता है, फ्यूचर देखने को क्या बोलते हैं, जन्म पत्री, भविष्यवाणी। हाँ भविष्यवाणी इज द गुड वर्ड। तो दूसरे केस में तो आपकी भविष्यवाणी सही निकल आई। तीसरा केस भी आप लोगों ने ऑलरेडी वैसे ना कर लिया है, पता है आपको, करो एक बार आइडिया, एक हिंट मारो, ट्राई तुक्का, केस नंबर थ्री क्या हो सकता है? टाइम नहीं, ये टाइम है, डेट या टाइम एक ही बात है, और सोचो।
जो मैंने आपको टॉपिक थ्योरी में करवाया था, याद भी करवाया था, जिसके टोटल 8 पॉइंट थे, अंग्रेजी में 8 बोलते हैं जिसको, 8 पॉइंट बुक में से याद करवाए थे, गैस करो, जो अगले दिन सुने भी थे, गैस करो। यस, पार्टनरशिप डीड। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इसको सर ऐसे बोला जाता है, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। कल मेरे इनकम टैक्स ऑफिस में सेमिनार थे, मैं उनको 2-3 बार वो बोल बैठा कि बेटा बेटा, अब मेरे मुंह से वो निकल रहा है सर सर। कल वहां पे 20-25 इंस्पेक्टर बैठे थे इनकम टैक्स वाले, मैं उनको 2-3 बार बोल बैठा बेटा ऐसे नहीं, हेलो बच्चों तो नहीं बोला था, लेकिन बीच बीच में फ्लो फ्लो में ना सेमिनार लेते लेते वो बेटा निकल गया 2-3 बार। पहला है डेट ऑफ ड्रॉइंग इज गिवन, दूसरा है डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन, तीसरा है पार्टनरशिप डेट साइलेंट, चौथा है इफ मंथली या क्वार्टरली ड्रॉइंग। ये बेटा चार केस हैं, इसी के हिसाब से हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का टॉपिक चलता है। सबसे पहले देखते हैं, ये लिख लिया आप लोगों ने, चारों लिख लिए, रख दो जाना। अगर डेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन हो तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे देना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड पीरियड या टाइम वाइज। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी कैलकुलेटेड, या मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ड्रॉइंग जो है, अगर ड्रॉइंग हमने 1 अप्रैल को की है तो पूरे 12 महीनों का इंटरेस्ट लगेगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर ड्रॉइंग की हो 1 दिसंबर को तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, पता है? 4 या 3? 4। 1 दिसंबर है तो 1 दिसंबर से आपको 31 मार्च तक काउंट करने हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 4 महीनों का लगेगा। सोच के देखो, अगर ड्राइंग की डेट गिवन ना हो, मतलब क्वेश्चन आपको ये आएगा कि एक पार्टनर ये है बिजनेस में से, एक धनी था एक राम था, तो दो पार्टनर थे धनी राम, तो धनी ने बिजनेस में से पैसा निकाला ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपए, लेकिन ये नहीं बताया कब निकाला। सोचते रहो, 1 मिनट दिया, क्या कर सकते हैं? किसी ने लगाया जी कोई दिमाग, फैन बंद कर देना वहां का, किसी ने लगाया कोई दिमाग, क्या बन रही है बात? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, देखो बंदे ने ड्राइंग तो की है, पैसा तो निकाल के गया है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे साल में 1 लाख रुपए विड्रॉ किया, तो क्या करना चाहिए? एवरेज कोई कह रहा था, एवरेज का मतलब कितने महीनों का ब्याज ले? 6 महीने का आप कह रहे हो, तो आपकी बात रख रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता, ये हमारे होनहार बच्चे कह रहे हैं, कहते 6 महीने का एवरेज दे दो, लिख लेते हैं। मेरे बच्चे का भी आज तक झूठ बोला, आज तक इन्होंने बस 100 में से 90 बार बोलते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ 6 मंथ्स विल बी टेकन। जैसे
मेरे प्यारे मित्रों ने बताया है कि सर एवरेज लगेगा, लेकिन आपको पता है 6 महीने की एवरेज कैसे आई है? अभी मैं इनके नलायकों से पूछूं, इनको पता थोड़ी होगी एवरेज कैसे। बताना कैसे 6 महीने की एवरेज कैसे निकली, 12 का हाफ। एवरेज तो कभी दो चीजों को करते हैं, तो पता कैसे एवरेज निकलती है, मैं आपको सिखा देता हूँ। जिसने लिखना है लिख लेना, एग्जाम का पैटर्न नहीं है, सिर्फ 6 महीने का आपको समझाने का है। एक तो वंश ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, सबसे देसी फॉर्मूला, पूरे साल में कितने महीने होते हैं उसको आधा कर दो, हो गए 6। लेकिन अकाउंट के हिसाब से इसको बेटा ऐसे बोला जाता है, सबसे कम पीरियड कितना हुआ पूरे साल में, 0। सबसे ज्यादा पीरियड कितना हुआ, 12। तो ऊपर मैंने दो चीजें ली है ना, 1 2, तो नीचे डिवाइड कर दो 2 से। सर मैंने भी तो यही बताया था, 12 को 2 से डिवाइड कर दो। बेटा मैं भी वही बता रहा हूँ, आप लोगों ने आम जिंदगी में बताया, मैंने मेंटोस जिंदगी में बताया, चीज समझ में आई है। करते वही है जो वंश ने बोला है, 12 को आधा कर दो, पूरे साल को आधा कर दो। सर अगर 6 महीने का टाइम पीरियड होता तो 3 लेते हैं, तो 3 लेते। अभी हमारा साल 12 महीने का होता है ना, इसलिए 6 महीने आए। लेकिन 6 महीने जो आपने बोला ना एवरेज लेते हैं, एवरेज हमेशा कैलकुलेशन होती है या तो डिवाइड 2 से 3 से 4 से, कोई फिगर लेनी पड़ती है। तो अकाउंट्स ने फिगर लेने का तरीका समझाया, बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये हमने निकाला हुआ है। अकाउंट्स ने तरीका क्या निकाला, कहते सबसे छोटा पीरियड ले लो, सबसे बड़ा पीरियड ले लो। 12 महीने में सबसे छोटा पीरियड क्या हुआ, 0। सबसे बड़ा पीरियड क्या हुआ, पूरे 12 महीने। तो 0 + 12 / 2, यहां से बना 6 मंथ। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या करेंगे, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। याद करो रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देनी है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना सैलरी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। और अगर किसी पार्टनर की एडमिशन होनी है तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स विल बी रिक्वायर्ड, करवाए थे ना वो 6-7 पॉइंट से। तो यहां पर लिखो नो IOD, नो IOD इज गिवन। सर ये ठीक है वैसे ना, हम तो चाहते हैं बार बार ना पेपर में जितनी बार भी क्वेश्चन आए, क्या सर क्वेश्चन में गिवन होगा कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। जी हाँ, पेपर में या क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी। तो नहीं बनी हम तो खुश होते हैं बेटा, प्रेयर करना हाथ से, हाथ जोड़ना, बोलना कि हे भगवान जो भी क्वेश्चन आए CBSE का, CBSE वाले ये लाइन लिख दें। इसको लिखने से क्या होगा, आपकी एक कैलकुलेशन बच जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट ही नहीं करना, बात खत्म। ठीक है सर, हम आज से प्रे करना शुरू कर देंगे। ओके, अगर मंथली या क्वार्टरली ड्रॉइंग है सर, इसका क्या मतलब है, मतलब एक पार्टनर ने सीधा बांध लिया कि मैं हर 1 तारीख को ना 5-5 हजार बिजनेस से लेके जाऊंगा, क्या बता सकते हो साल में कितना पैसा लेके जाएगा वो, 60 हजार। या तो उसने बांध लिया मैं हर 1 तारीख को लेके जाऊंगा, मानस कहता जो सर अगर कोई पार्टनर कहे मैं हर 15 तारीख को लेके जाऊंगा, कोई कहेगा हर कोई अगर सर एंड में लेके जाए। लेकिन याद रखना ये तभी लगेगा अगर कोई पार्टनर हर महीने ड्रॉइंग कर रहा है या हर क्वार्टर में। सर हर क्वार्टर का मतलब क्या होता है, हर 3 महीने में एक बार, क्वार्टर पता है ना, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। पहला क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून का, फिर जुलाई अगस्त सितंबर का। तो या तो पार्टनर हर महीने पैसा निकाल के जा रहा है, अगर हर महीने निकालेगा तो टोटल 12 बार पैसा निकालेगा ना बेटा, ये वही है यार सेम जब आप गाड़ी मोबाइल कुछ भी लेते हो EMI पे, हर महीने की किस्त नहीं भरते, ये वैसे है। या कभी कभी केसेस ये होते हैं कि हम हर क्वार्टर में एक बार ड्रॉइंग करेंगे, तो अगर ऐसा हुआ तो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है एक, वो लगेगा शॉर्टकट फॉर्मूला एप्लीकेबल। अब इसी के ना आगे देख लेना, इसी को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने के ना आगे 2 मेथड्स होते हैं, 2 मेथड्स। सर हमें ना वैसे कई बार पता ही नहीं चलता कि अकाउंट्स की क्लास चल रही है कि ड्रॉइंग की क्लास चल रही है। ठीक है बेटा, ऐसे तारीफ करते रहा करो, तो मैं ड्रॉइंग बनाता रहा करूंगा, बस मेरे को आती यही है ड्रॉइंग बनानी, एरो और ये डब्बे डुब्बे, बस और ज्यादा नहीं आती। इसके 2 मेथड होते हैं, एक आप सिंपल मेथड से निकालते हो, सिंपल मेथड बोलते हैं इसको, एक प्रोडक्ट मेथड से ड्राइंग निकालते हो। ऊपर वाले 4 केसेस थे, नीचे मेथड्स हैं, ये मेथड्स आपको बहुत कम यूज में आएंगे। ठीक है, अब हम केस नंबर 1 कर रहे हैं, ऐसे ही हम सारे केसेस करेंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। अच्छा मेरे को आप ये बताओ, ये आपको पता चल गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन देता है, किसको मिलती है, कौन देगा,
ओनर देगा, किसको मिलेगी, किसके लिए इनकम हुई, बिजनेस के लिए। तो नॉमिनल रूल क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट होगी। तो जर्नल एंट्री लास्ट में करेंगे, पहले मेथड सीख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना कैसे है। तो केस नंबर वन कर रहे हैं सबसे पहले, एक सेकेंड, ये हो गया इलस्ट्रेशन। अगर मैं ये करवा दूं आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग, केस नंबर वन, केस नंबर टू क्या था, डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन, पार्टनरशिप डेट चल रही है, ठीक है। केस नंबर वन हम स्टार्ट कर रहे हैं अब डिटेल में। केस नंबर वन, केस नंबर वन की हेडिंग बताओ क्या लिखी है आपने डिब्बे में, इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग इज गिवन, ठीक है जी। थोड़ा सा जल्दी करेंगे, टॉपिक मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पहले तीन केसेस तो मतलब है ही 5-10 मिनट के, ज्यादा नहीं है। इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग इज गिवन, पहला ये वाला केस कर रहे हैं। किसी को एरो बनानी हो ना तो अपने हिसाब से ये वाली एरो बना देना, हम ये वाला केस करने वाले हैं, ठीक है। डेट ऑफ ड्रॉइंग इज गिवन, क्वेश्चन ये आपका सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। लिखो जी एग्जाम्पल, मिस्टर धनिया एंड राम आर पार्टनर्स दे विड्रू फॉलोइंग अमाउंट, दे विड्रू फॉलोइंग अमाउंट, ये है डेट, ये है ड्रॉइंग की अमाउंट। एक है 1/4/2022 को 1,00,000 रुपए, 1 अगस्त 2022 को 2,00,000 रुपए, 1 मार्च 2022 आएगा, 23 आएगा, अप्रैल अगस्त 22, 22 के बाद 1 मार्च कौन सी आएगी, 2023 की लिखी है, ठीक लिखी है मैंने, ओके जी। ये अमाउंट लिखेंगे हम 5,00,000, और एक ड्रॉइंग की है इसने 31/3/23 को, बताओ क्या लिखूं, जो आप कहोगे वही लिखूंगा, क्या अमाउंट लिखें, ये लो 3,50,000। चलो जी इसका टोटल बताओ जल्दी से, क्या टोटल बन रहा है, इसने पूरे साल में कितने पैसे विड्रॉ किए हैं, 11,50,000, 5, 2, 7, 8, 11,50,000, बिल्कुल ठीक है जी, पूरे साल में 11,50,000, ठीक है जी। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विद बोथ मेथड्स, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विद बोथ मेथड्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ये वर्ड ध्यान से लिखना पर एनम, अगर पर एनम वर्ड ना हो ना तब हमें पी इंटू आर इंटू टी वाले फॉर्मूले में ना टी लगाना ही नहीं होता, बताऊंगा क्या कहना चाहता हूं बाद में बताऊंगा। 10% पर एनम है। अब बताओ जी इस पे आप लोगों को केस क्या है, पहले आप केस की हेडिंग पढ़ो, ड्रॉइंग की डेट गिवन है कि नहीं गिवन, कितनी ड्रॉइंग की डेट गिवन है, 4, साफ पता लग रहा है, मतलब कि मिस्टर धनिया ने, अच्छा मैंने सिर्फ धनिया का लिख दिया ना बेटा, ध्यान से लिखना था, चलो अभी सिर्फ धनिया का ही कर लेंगे। दे विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट, दे की जगह ना यार अभी धनिया लिख लो, अभी हम राम का नहीं कर रहे, किसी और क्वेश्चन में राम का भी कर लेंगे, ये सिर्फ धनिया ने पैसे विड्रॉ किए हैं। तो धनिया ने पूरे साल में कितना पैसा विड्रॉ किया ये बताओ। सर वैसे तो सब्जी के साथ धनिया फ्री मिलता है, यहाँ पे धनिया इतना महंगा हो गया, 11,50,000 वाला इतना अमीर बंदा हो गया, जी हाँ, सड़क से उठा के अपन स्टार बनाना है लोगों को। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मेरे को एक बात बताओ, धनिया ने पूरे साल में कितना पैसा निकाला बिजनेस में से, 11,50,000, क्या 11,50,000 की डेट गिवन है, बताओ 11,50,000 कब कब निकाला, एक निकाला 1 अप्रैल को, एक निकाला 1 अगस्त को, एक 1 मार्च को, एक 31 मार्च को। सर आपने हमें रूल सिखाया है मार्केट में इंटरेस्ट का असूल क्या है, दुकानदारी में चाहे बैंक में चाहे बिजनेस में चाहे अकाउंट्स में, इंटरेस्ट का बेटा एक ही असूल है, बार बार यही घिसी पिटी लाइन बोलूंगा जब तक आपको टिप्स पे हो ना जाए, चाहे क्वेश्चंस में चाहे प्रैक्टिकल लाइफ में चाहे बैंक में, ब्याज का एक ही असूल है, जितनी अमाउंट और जितने टाइम के लिए उस पे ब्याज लगेगा। तो आप मेरे को बताओ जो पहला पैसा है कब विड्रॉ किया, 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से लेके अगले 31 मार्च तक कैलकुलेट करने हैं। सर 31 मार्च 23 तक कैलकुलेट करें या 31 मार्च 2024 तक, 23 तक, 31 मार्च 2023 तक जो पहला इंटरेस्ट है पता है कितने पे लगेगा, 12 महीनों पे।
तो सिर्फ 1 लाख रुपए के ऊपर लगेगा 12 महीनों का, कहीं आपको सर 11.5 लाख के ऊपर 12 महीने का लगा दें, क्योंकि उसमें से जो ये वाला पैसा है सेकंड वाला पैसा वो तो 1 अगस्त को विड्रॉ किया, तो 1 अगस्त से ब्याज लगना शुरू होगा ना। अगर आपने पूरे पैसों को 1 अप्रैल से लगा दिया तो मतलब आपने पूरे पैसों को एक ही ब्याज लगा दिया, फिर तो बंदा कहेगा यार इससे अच्छा तो मैं सारा का सारा पैसा पहले दिन ना विड्रॉ कर लेता। ब्याज का इंटरेस्ट का असूल क्या है, जितना पैसा जितने टाइम के लिए जाएगा उस पे ब्याज लगेगा। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन 2 तरीकों से करना है, क्वेश्चन ने बोला है बोथ मेथड्स। ऊपर मैंने आपको मेथड्स लिखवाए थे, एक सिंपल एक प्रोडक्ट। लिखो जी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखेंगे पहला सिंपल मेथड से। सर पेपर में कौन सा मेथड आता है? बेटा पेपर में आपको 99% सिंपल मेथड आता है। सर फिर ठीक है सर, फिर आप हमें क्या दूसरा मेथड करवाओगे? हाँ बेटा 1%, किस्मत खराब होगी ना आप लोगों की तो फिर वही मेथड आएगा। सर हमारी किस्मत वैसे ही खराब है, स्कूल का टाइम बदल जाता है, सिलेबस बढ़ जाता है। बेटा वो 10th तक होता था जहाँ पे हर बच्चा ये बोलता था हमारे टाइम पे सिलेबस बढ़ जाता है, होता था आप लोगों के साथ? नहीं सर। चलो आगे, अब आप मेरी मान नहीं रहे मैं क्या करूँ। डेट, ड्रॉइंग की अमाउंट, ठीक है मंथ, कितने मंथ का ब्याज लगेगा, और आईओडी। ठीक है जी, सबसे पहली मेरे को बताओ कौन सी डेट पे विड्रॉ की है? 1/4/2022 कितना पैसा विड्रॉ किया था? 1 लाख। तो 1/4/2022 से लेके अगले साल की 31 मार्च 23 तक कितना टाइम हो गया? पूरे के पूरे 12 महीने। ये लो जी 12 महीने। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला सर वही है जो मैंने आप लोगों को करवाया था, P × R × T, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, जो कक्षा 5वीं पता नहीं 6वीं में करते थे आप लोग। तो पहले किसके ऊपर लगेगा? प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 1 लाख। रेट कितना लिखवाया ऊपर देखना, 10%। सर टाइम 12/12। सर इसका मतलब ये वाला आपने हमें परसों भी सिखाया था पिछली क्लास में, 12/12 को लिखो ही मत, जब पूरे साल का इंटरेस्ट हो तो 12/12 चाहे मत लिखो, आपकी मर्जी है। ये लो जी कट गया पूरा का पूरा एक से। अब बताओ इसका इंटरेस्ट कितना बन रहा है? नहीं यार 10,000 बनेगा शायद, है ना 10,000 बनेगा। तो पहला इंटरेस्ट है बेटा 10,000 का, तो 1 लाख रुपए का जो उधारी ली है ना ओनर ने उसके ऊपर 10,000 रुपया भरना पड़ेगा। खत्म हो गया क्वेश्चन की, अभी और भी ड्राइंग की थी, और भी ड्राइंग की थी। सेकंड ड्राइंग की डेट बताओ, 1 अगस्त 2022, अमाउंट क्या थी? 2 लाख थी। 2 लाख के ऊपर कितने मंथ बन रहे हैं अभी? अच्छा ओहो, एक्चुअली वो अभी अभी आप लोग बात नहीं करते पंडित वाली, तो मैं वो 10-20-21 साल आगे चला गया था, क्योंकि मैं तो 20-21 साल बदे ही करा रहा हूँ बच्चों को। बेटा सुन लो इंटरेस्ट, तब तक बूढ़ा हो गया हूँ ना, तब आज ऐसे निकल गए कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, लेकिन अभी हम जवान है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तेज तेज बोलेंगे। फ्यूचर सोच के डरा दिया वंश तूने मेरे को, कोई दवाई आएगी तो बताइयो। चलो 2 लाख के ऊपर अब कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ज्यादा हो गया। कहाँ तक कैलकुलेट करना था सुशील? हाँ 31, फिर बताया नहीं मैं तो आगे चला गया था। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, बस यहाँ तक कितने महीने बैठे उंगली पे? 8 महीने। तो सर इसका फिर 1 लाख रुपए के ऊपर निकालेंगे या 2 लाख के ऊपर? तो जो अमाउंट है उसके ऊपर निकालोगे ना, 2 लाख के ऊपर रेट है 10% इंटू टाइम। सर यहाँ पे अब 12/12 लिखे कि 8/12, 8/12 बताओ कितना आ रहा है? पॉइंट में आ गया है क्या सर? आपको क्वेश्चन बनाने भी नहीं आते, सॉरी बेटा। तो मैं पीछे पॉइंट वाला अभी हटा रहा हूँ, अभी अभी मैन्युफैक्चर किए थे ना यार, अभी तो मैंने कैलकुलेशन थोड़ी करके देखी है। तीसरी ड्राइंग बताओ, तीसरी ड्राइंग कौन सी है जल्दी? 1 मार्च की थी शायद, 1 मार्च की है, 1 मार्च 2023। अमाउंट कितनी है? 5 लाख। कितने महीने का ब्याज लगेगा? 7 मंथ। वेरी गुड बेटा, कहां से आया? 7 महीने कहां से आया? 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 1 मंथ हुआ बेटा। 1 मार्च को ड्रॉइंग किया, 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, कितने महीने हुए? 1 महीना। तो 5 लाख के नहीं आया समझ बेटा? 1 मार्च को पैसा उधार लिया, मेरा साल कब खत्म होता है? 31 मार्च को। एक तो हमारा अभी मंथ अप्रैल चल रहा है ना, तो मेरे को फिर मार्च चलाने में भी बड़ी दिक्कत होती।
चलो अच्छी बात है, समझ आ गया सर, आप अच्छा करा लेते हो लेकिन बाद में हमें समझ आती हैं कई कई चीज़ें। ठीक है, 5 लाख, 5 लाख के ऊपर 10% इंटू 1/12। किसी और को 1 मंथ ना समझ आया हो, आ गया समझ? निकालो भी 5 लाख का 10%, 50 हजार, 50 हजार को फिर 12 से डिवाइड करोगे। मैं बहुत मेहनत से अपने आप करने वाला हूँ अभी। कितना? ये भविष्य यंत्र चला रहा है कि मोबाइल चला रहा है तू? तो अपने आप कर रहा है? अच्छा फिर ठीक है। 4167, 4166 आ रहा है, हम इसको 4167 बना लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, चौथी ड्रॉइंग है 31 मार्च 2023 को। कितने पैसे विड्रॉ किए थे लास्ट में? 3,50,000। कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 31 मार्च वाला साल 31 मार्च में ही खत्म हो रहा है, तो 0 मंथ। अब 0 को जिस मर्जी से मल्टीप्लाई कर दो, मैथ आप लोगों को मुझसे ज्यादा आता है ये याद रखना हमेशा। तो किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? जब वो पैसा ही उसी दिन निकाला है उसी दिन इंटरेस्ट निकालना है। तो टोटल ड्रॉइंग बता दो, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना बन रहा है? इन सभी का टोटल कर लो। तेरह और चार 17, 17,600। मेरे हिसाब से 27,600 बन रहा है। तीन, हाँ ठीक है ठीक है, भविष्य 27,500 बन रहा है। तो टोटल पूरे साल का इंटरेस्ट बना बेटा 27,500। ये पहला मेथड आप लोगों ने सोल्व कर लिया। सिंपल मेथड ऐसे ही होता है, पी इंटू आर इंटू टी लगा लो, लेकिन डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन होगी तो उसी डेट के हिसाब से। अब देखो ऊपर फ्लो चार्ट पे आ जाओ दोबारा से। फ्लो चार्ट में केस नंबर वन देखो क्या था, डेट ऑफ ड्रॉइंग इज गिवन, और इसका सोल्यूशन पढ़ के देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी कैलकुलेटेड पीरियड या टाइम वाइज। तो यही तो हमने निकाला, पीरियड या टाइम वाइज, जितने मंथ का है उतने मंथ का निकाल लेंगे। अब मैं आपको करवा रहा हूँ प्रोडक्ट मेथड, सेकंड मेथड, केस वही चल रहा है, सेकंड मेथड, प्रोडक्ट मेथड। केस वन ही चल रहा है, प्रोडक्ट मेथड चल रहा है। प्रोडक्ट मेथड में फिर से यहां पे आपके लिए बनेगा डेट, अमाउंट, मंथ्स और प्रोडक्ट। जहां पे आप लोगों ने ये आईओडी लिखा था ना, बस आईओडी की जगह आपको वर्ड लिखना है, प्रोडक्ट दोबारा से आपको फिर से बनाना पड़ेगा, यही का यही। डेट, ड्रॉइंग, मंथ्स, प्रोडक्ट। बड़ा इजी लगेगा, किया होगा यार, प्लस वन में भी किया होगा शायद, स्टैट्स में कभी आया है ये प्रोडक्ट वाला, कभी किया हुआ है किसी ने? कि किसी सबके लिए फर्स्ट टाइम है ये प्रोडक्ट। ठीक है जी। डेट वही वाली आनी है, 1 लाख, 2 लाख, आगे क्या था देखना, तीसरी वाली ड्राइंग क्या थी, 5 लाख, 3.5 लाख, मंथ्स बता दो, पहले के 12 महीने थे, फिर 8 महीने, फिर 1 महीना, फिर 0 मंथ। ठीक है जी। प्रोडक्ट वाले में बेटा क्या करते होते हैं, इसको मैं अगर 1, 2, 3, 4 बोल दूं तो 4 वाले में ना 2 × 3 करने, ड्रॉइंग की अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 लाख को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 लाख आ जाएगा। आगे 16 लाख, सर 16 लाख कैसे आया बता सकते हो? 2 लाख × 8, तीसरे वाले का 5 लाख × 1, 5 लाख, अगले का 0। तो टोटल प्रोडक्ट बता दो, और टोटल आपको बताना पड़ेगा, टोटल प्रोडक्ट 12 और 16, 28, 31 लाख। अब अगर आप एक चीज देखोगे ना ऊपर वाले मेथड में, अगर आप ऊपर वाले मेथड में देखोगे बेटा, एक बार के लिए सिंपल मेथड देखना, एक बार के लिए सिंपल मेथड देखो। सिंपल मेथड में आप लोगों ने क्या किया था, 1 लाख को 10% से मल्टीप्लाई किया था, और साथ में 12/12 कर दिया था, या फिर 8/12 कर दिया था। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप लोगों ने पिछला मेथड किया है ना, पिछले मेथड में भी आपने 12 से पहले मल्टीप्लाई की है, या अगले वाले मंथ में आपने 8 से मल्टीप्लाई किया था ना, और डिवाइड 12 से किया था। अभी जो आप प्रोडक्ट मेथड करने वाले हो, प्रोडक्ट वाले मेथड में आप लोगों ने मल्टीप्लाई तो कर दी है 12 से 8 से,
सिर्फ डिवाइड बाय 12 करना ही तो रह गया। ऊपर वाले मेथड में आपने चारों इंटरेस्ट अलग अलग निकाल लिए थे, 1 लाख के ऊपर अलग 12 बाई 12, सेकंड वाले के ऊपर आपने किया था 8 बाई 12, तो वहां पे भी आप मंथ से मल्टीप्लाई कर रहे थे, टोटल मंथ से डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे आपने सभी को मंथ के साथ डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर लिया ना, क्या करना रह गया, सिर्फ डिवाइड करना। तो इसको कॉमनली इकट्ठा डिवाइड कर दिया जाता है, ये देखो ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो टोटल देख लो, टोटल ड्रॉइंग का प्रोडक्ट कितना है, और आपको पता है 33 लाख तक पहुंचते हुए हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, डिवाइड करना रह गया है। ये 12 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, यहाँ 8 से, यहाँ 1 से, इंटू 10% वही का वही रेट है, सिर्फ मेरा डिवाइड करना रह गया ना। तो ये लो डिवाइड कर दो 12 से, कॉमनली डिवाइड कर दो। आपके मदर का फोन काट दो यहां से, एक सेकंड रुक जाओ बस, ठीक है। मंथ से मल्टीप्लाई हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, देखो जहां से मंथ से मल्टीप्लाई कर चुके हैं उसी का टोटल आपने कॉमन फिगर ले ली, सिर्फ डिवाइड करना रह गया, तो डिवाइड कर दिया। लेकिन सर ये ना जच नहीं रहा, ऐसे लग रहा है मतलब बंदे की गर्दन से नीचे नीचे का स्क्रीन आपका गर्दन ही है, तो कोई इंसान जचता नहीं। या तो एक काम करो, नकली गर्दन लगाओ, करना तो पड़ेगा ना, देखो जच नहीं रहा ऊपर आपने इधर भी लिखा इधर भी, और अकेले की बेचारे की बेइज्जती कर रहे हो। तो बताओ ऊपर कैसी गर्दन लगाऊं कैलकुलेशन में कोई फर्क ना पड़े, एक लगा दो। ओके, तो इसको समझ लो आपने 12 से कॉमनली डिवाइड कर दिया, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल के देखो कितना बन रहा है। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले आपको ना पिछले वाले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में हम क्या कर रहे थे, पहले आपको ये सीखना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को आप 1 लाख को 10% से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और कर रहे थे 12 बाई 12, या यहां वाले पे सेकंड वाले पे आप कर रहे थे 2 लाख इंटू 10% इंटू 8 बाई 12, जितने मंथ का था उतने बाई 12 कर रहे थे ना, मतलब 8 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये देखो 8 से मल्टीप्लाई कर रहे थे 12 से डिवाइड, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर रहे थे 12 से डिवाइड, हर मंथ से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना और 12 से डिवाइड। प्रोडक्ट वाले मेथड में हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं ऊपर, डिवाइड नहीं करते, सिर्फ यहाँ को 1 लाख को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 लाख को 8 लाख 8 से मल्टीप्लाई करके 16 लाख आ गया, 5 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करके 5 लाख आ गया। डिवाइड एक ही बार ना कॉमनली कर दिया जाता है, पूरा 33 लाख में सब कुछ मल्टीप्लाई हो चुका है, बट डिवाइड करना रह गया। इंटू ये हो गया पी, ये हो गया आर, तो टी को हम कॉमनली 12 ले लेते हैं। अब ऊपर कुछ तो रखना पड़ेगा, तो उसको 1 मंथ मान लिया जाता है ताकि ऊपर कोई फर्क ना पड़े। नॉर्मली हम करके रहे हैं 12 से डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर किया नहीं था नीचे कर दिया, मेथड तो वही है। इसका आंसर क्या निकल रहा है, याद रखना दोनों ही चीजें हैं तो एक ही यार, ऊपर में बस आप 12 से डिवाइड पहले ही करते चले जा रहे थे, यहां पे इकट्ठा कर रहे हो। मेथड देखो, आंसर अगर आप लोगों का सेम ना आता ना, तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन गलत है। आ गया पॉइंट समझ आ गया। अब जल्दी से अगला मेथड कर रहे हैं हम, केस नंबर 2 कर रहे हैं। केस नंबर 2 देखो क्या है, केस नंबर 2 तो 1 मिनट का है सिर्फ, केस नंबर 2 सिर्फ 1 मिनट का है। केस 1 हमारा खत्म हो गया, केस 2 इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन, इसका क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है। पहले धनिया ने ड्राइंग की थी, अब राम की ड्राइंग करा देते हैं। मिस्टर राम विड्रू 2 लाख ड्यूरिंग द ईयर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, कैलकुलेट आईओडी। तो इसका सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन में पहले आप ऊपर चार्ट पढ़ के देखो, अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग की गिवन ना हो, मिस्टर राम है, उसने पूरे साल में 2 लाख रुपए बिजनेस से निकाला, ये नहीं है कि 2 लाख रुपए इकट्ठा ही निकाल गया एक ही बार, कोई भी केस हो सकता है, या तो किसी एक दिन निकाल के चला गया होगा, लेकिन अगर किसी एक दिन निकाल के गया होता फिर तो मेरे को डेट पता ही चल जाती। सर फिर इसका मतलब ये होगा, कभी वो अप्रैल में पैसे निकलवा गया, कभी मई में, कभी जून में, जैसे घर पे। अब यार जैसे बीवी आती है दुकान पे, हेयर बैंड लेना है 100 रुपये देना, लिपस्टिक लेनी है 500 रुपये देना, और रिबॉन्डिंग करवानी है 5000 रुपये देना,
ऐसे कर करके बहुत दुखी किया जाता है पतियों को, दुकान पे बैठे हुए, ऑफिस पे बैठे हुए पतियों को दुखी नहीं किया जाता, सिर्फ दुकानदारों को किया जाता है। तो पूरे साल में ऐसे ऐसे पॉकेट मनी करके 2 लाख रुपए निकला, तो कभी अप्रैल में, कभी मई में, कभी शाम को, कभी रात को, कभी दिन में, किसी भी टाइम। बस कुल मिला के मेरे को पता है कि जो बीवी है पूरे साल में 2 लाख रुपए का खर्चा करवा के गई है, अब ये नहीं पता कब। तो एवरेज आप लोगों ने बताया हुआ है, तो सिंपल IOT कैसे निकलेगा, P into R into T। पी कितना है 2 लाख, आर कितना है 6%, टी यहां पे इसको एवरेज मान लिया जाता है 6 मंथ, खत्म। बस आंसर बता दो, ये खत्म हो गया। 2 लाख का 6% 12,000, 12,000 का 6% 6,000 रुपये, बिल्कुल ठीक है, 6,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकल गया। सर ये तो बहुत ही बढ़िया है। केस नंबर 3 इसी के साथ खत्म कर देंगे। अगर केस नंबर 3 में यहां पे ये लिखा होता, कुछ मर्जी दिया हो, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड नहीं कर रही, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो कुछ करना ही नहीं है, तो इसका आंसर यहां पे पता क्या निकलेगा, केस नंबर 3 यहां पे देखो जल्दी से, केस 3, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, नो IOD इज गिवन, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कोई नहीं लिया जाएगा, खत्म केस 3। सर ये बढ़िया था, ऐसे ऐसे केस हो ना मजा ही आ जाए। मैं तभी कहा था बेटा प्रे करना शुरू कर दो, आप लोगों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, पूरे 11 महीने प्रे करोगे तब जाके CBSE के पेपर में ये वाला केस देखने को मिलेगा। लेकिन वो बड़े क्वेश्चन में एक केस ऐसा डाल ही देंगे कि पार्टनरशिप डीड इज नॉट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो आपने आंसर, अब आप ये मत लिख के आना, कई बार बच्चे पता क्या कहते हैं, सर हम आंसर लिखाए हैं, ठीक है मैं उनको कहता हूँ ना आंसर दिखाना, वो कहते हैं सर ये है आंसर, एक मिनट भाई चल आगे। मेरे को ये दिखा देते हैं बच्चे, सर ये है आंसर। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे आंसर है कहाँ, मैं चश्मा उतार के देखता हूँ, चश्मा लगा के देखता हूँ, फिर मैंने एक दूरबीन मंगवाई, ठीक है उसको क्या बोलते हैं वो देखने वाली को अंग्रेजी में, माइक्रोस्कोप, मैंने माइक्रोस्कोप मंगवा के देखा, ऐसे नहीं होते, तो ऐसे नहीं देखते माइक्रोस्कोप, एक आंख से देखते हैं। तो यार मैं नॉन मेडिकल का बच्चा हूँ, सोच अगर मेरे को साइंस अच्छी लगी होती, मैं कॉमर्स वाला पढ़ा रहा होता, अब मेरी बात सोचो ना, मेरी भावनाएं भी तो सोचे यार, थोड़ा सा इमोशनल हो। मेरे को पता होता कि माइक्रोस्कोप एक से देखते हैं तो मैं साइंस ना ले चुका होता, साइंस समझ नहीं आती थी, इसलिए मेरे को नहीं पता माइक्रोस्कोप एक से देखते हैं, दो से देखते हैं कि कानों से देखते हैं। लेकिन मैंने, बच्चों ने मेरे को बोला कि पार्टनरशिप डीड सर साइलेंट है, हम आंसर लिख के आए, तो आंसर ये लिखा हुआ है सामने, ये वो आंसर है जो बच्चे टेस्ट में करके जाते हैं, कहते सर आंसर लिखा तो हुआ है, तो बेटा ये आंसर नहीं है पेपर में, ये आपके सामने आंसर नहीं है, आंसर के लिए आपको ये वर्ड लिखना पड़ेगा बेटा, ये पेपर में ये लिख के आना पड़ेगा, ये आंसर है। तो एक नलायक बच्चा निकला, कहता सर मैंने ऐसे लिखा, फिर मैंने उसको शाबाशी दी कि हाँ ये आंसर है, खाली नहीं छोड़ के आना, कहीं कहो कि इंटरेस्ट देते नहीं है तो हम निकाल के ही नहीं आए। बेटा निकालना नहीं है, लिखना तो है ना एक लाइन में कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया जाएगा। सर शॉर्टकट फॉर्मूला भी शॉर्टकट में करा ही दो, बेटा वो कहने के लिए तो छोटू है ये शॉर्टकट फॉर्मूला, चौथा केस रह गया देखना हमारा, ये है तो शॉर्टकट फॉर्मूला कहने के लिए, लेकिन ये कल की पूरी क्लास खा जाएगा ये छोटू, ये जो शॉर्टकट फॉर्मूला है इसकी डिटेल लॉन्ग टर्म में है, तो बाकी हम करेंगे कल, कल आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का टॉपिक खत्म हो जाएगा।